कांग्रेस की सरकार बनी तो राम मंदिर के जगह बनेगा बाबरी मस्जिद। प्रमोद कृष्णम का दावा, राहुल ने किया ऐलान, बदल देंगे कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए बनाई जाएगी कमेटी। केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो अयोध्या में बने राम मंदिर पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने कसम खाई थी कि अगर कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए एक सुपर पावर कमीशन बनाने की बात कही थी। कृष्णम ने कहा, मैंने कांग्रेस में 32 साल से अधिक समय बिताया है और जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी खुश नहीं हुए थे। अमेरिका में अपने शुभ चिंतकों से सलाह लेने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे सुपर पावर कमीशन बनाएंगे। ये कमीशन राम मंदिर के फैसले को उसी तरह पलट देगा जैसे राजीव गांधी ने शाह बानो के फैसले को पलट दिया था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर की एक मुस्लिम महिला शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया था। उसने तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा था, लेकिन राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक अधिनियम के माध्यम से फैसले को पलट दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कानूनी मंजूरी दे दी। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।